निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। हमने बताया था कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100 टू 18,200 का इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जो सपोर्ट का लेवल है ये हमें 18,000 का देखने को मिलेगा। वहीं पे जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था ये था 41,700 टू 41,800 और 42,000 तक के लेवल आइडेंटिफाई किए थे, और इनका जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था एज अ सपोर्ट निफ्टी का 18,000 का और बैंक निफ्टी का 41,500 का। तो आज यहाँ पे दोनों इंडेक्स ने इन सपोर्ट लेवल को होल्ड करते हुए नजर आए और इन लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर हम यहाँ पे देखें कि निफ्टी ने आज जो मूवमेंट दिया है, हमने जो लेवल को आइडेंटिफाई किया था, इसके लिए हम यहाँ पे एक टूल ऑप्शन पे आते हैं। टूल ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमारे सामने जो लेवल्स निकल के आते हैं, जैसे कि इसने जो हाई पॉइंट आज लगाया था निफ्टी ने, ये समथिंग 18,130 के ऊपर का इसका हाई पॉइंट था, और इसी लेवल से जो निफ्टी का इंडेक्स है ये स्लिप होता हुआ नज़र आया। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एनालिसिस भी करें बोलिनजर बैंड के आधार पे, तो बोलिनजर बैंड के का जो हाई पॉइंट था उस पॉइंट को ही इसने यहाँ पे टेस्ट किया है। आपको देखने को मिलेगा कि बोलिनजर बैंड के इस पॉइंट को इसने टेस्ट किया, और जो इसकी एक सपोर्ट लाइन चलती है इस लाइन के नीचे यह निकला, और यहाँ से वापस के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली, और काफ़ी टाइम इसके नीचे ही यह रहा। इसके साथ ही अगर हम ALM इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर एक ब्लू कलर में इंडिकेटर देखने को मिल रहा है जो कि ALM इंडिकेटर है, इसको हम थोड़ा लार्ज कर लेते हैं चार्ट को ताकि आपको अच्छे से डेटा एनालिसिस हो पाए। तो यहाँ जो हम चार्ट पे बात कर रहे हैं इंडिकेटर की, ये एक ALM इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के नीचे जैसे निफ्टी का प्राइस गया, और हमने जो लेवल को आइडेंटिफाई किया था कि अगर निफ्टी 18,100 के नीचे रहता है तो हमें निफ्टी में 18,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सेम आज वैसा ही हुआ, निफ्टी के इस लेवल के नीचे आज मार्केट रहा, और आप देख सकते हैं कि इसने जो सपोर्ट आज बनाया है निफ्टी ने, आज एग्जैक्ट 18,000 का इसने एक सपोर्ट बनाया है, और वहीं से इसने एक बाउंस के साथ क्लोजिंग दी है। ऐसे में अब बात आती है कि जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है उसमें कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इसके लिए तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 18,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, जब तक कि निफ्टी 18,000 के ऊपर है तब तक ये निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम यहाँ पे चार्ट जो 5 मिनट का है इसको हम डेली चार्ट कर लेते हैं। यहाँ डेली चार्ट करने के बाद हमारे सामने पिक्चर हो ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को भी आइडेंटिफाई किया था उसके आधार पे हम यहाँ देखें तो जो इसका ALM इंडिकेटर जो ब्लू कलर से बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर से देखने को मिल रहा है, ये बोलिनजर बैंड का इंडिकेटर है जिसके ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक कि हमें ALM इंडिकेटर के ऊपर निफ्टी देखने को मिलता है तब हमें निफ्टी में ऊपर साइड में 18,100 टू 18,200 के लेवल दोबारा से रिटेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। एज द सपोर्ट के रूप में हम यहाँ पे 18,000 के लेवल के ऊपर नज़र आ सकते हैं। जब 18,000 के लेवल के नीचे मार्केट स्लिप होगा तब हमें मार्केट में वीकनेस नज़र आएंगी, और मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ से रिवर्सल लिया है, यह लेवल बन जाता है 17,900 टू 17,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो यह लेवल के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं डाउन साइड में, यानी कि निफ्टी के लिए एक छोटी और एक बड़ी रेंज की हम बात करें तो छोटी रेंज निकल के आती है इसमें 18,100 और 17,900 की, और बड़ी रेंज की बात करें तो 18,200 टू 17,800 की, इसके अंदर एक बड़ी रेंज निकल के आती है जो कि जिसपे हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे इस रेंज के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम MACD मूविंग एवरेज को देखें तो इसके अंदर भी हमें एक अपसाइड के मूवमेंट हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें निफ्टी में एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसी के आधार पर अगर किसी भी टाइम में हमें लगता है कि हमें निफ्टी के ऑप्शन में पोजीशन बनाना चाहिए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। जैसे आप इस ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा लग जाता है। आज 16 फरवरी 2023 की एक्सपायरी थी, तो हम अब अगली एक्सपायरी जो 23 फरवरी की है तो उसके ऊपर हम जाएंगे, और यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लगता है कि मार्केट में जो तेजी का माहौल बन सकता है, निफ्टी 18,000 के ऊपर जा सकता है और 18,100 या 18,200 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसके साथ हम यहाँ पे 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसके साथ हम जा सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है, मार्केट जो है 17,900 टू 17,800 आ सकता है, तो हम इसमें 18,000 के पुट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और यहाँ से अपनी पोजिशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो LTP के ऊपर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
आपको एक ऑर्डर बुक ओपन हो जाती है। इस ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पे एक बाइंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस बाइंग ऑप्शन पे आप जैसे प्रेस करते हैं तो आपका ऑर्डर लगाने की विंडो हो जाती है। यहाँ पे आपको जो 132 का प्राइस है उसमें निफ्टी में एक एक लॉट में आती है 50 क्वांटिटीज आती है, तो आप 50 क्वांटिटी में ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे 50 क्वांटिटी में आपको ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ तकरीबन आपको 6500 प्लस का आपको अमाउंट यहाँ पे चार्ज हो सकता है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो अलग से लगते हैं। तो आपको अगर लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव आ सकता है तो आप इस पॉइंट के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको निगेटिव लगता है तो आप 18,000 के पुट के साथ जा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। एनी टाइम अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको देखना है कि आपका कि आपकी बनाई हुई पोजीशन में आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो आप सेम विंडो पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस को आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी समय अपने पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप पुट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सेल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे एक ऑर्डर विंडो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऑर्डर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और आप यहाँ से उससे सिंपली एग्जिट करके अब अपने ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। तो इतना ही आसान होता है इंस्टा ट्रेड में काम करना। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपली हम यहाँ बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लग जाता है। चार्ट में हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है ये 41,600 के लेवल के ऊपर हमें बैंक निफ्टी का मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है। जो इंडेक्स है इसने 41,600 के लेवल को होल्ड किया है। अब बात करते हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें LM इंडिकेटर की बात करें और साथ ही जो बोलिंजर बैंड का लेवल है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही लेवल के ऊपर अभी बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक के इन लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना हुआ है तब तक के हमें बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो अपसाइड के मूवमेंट है वापस से हमें 41,800 टू 42,000 के लेवल हमें दोबारा से रिटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो गिरावट जब यह लेवल जो बैंक निफ्टी का बना हुआ है यह 41,550 के आसपास का लेवल है, और इसका इंपॉर्टेंट लेवल 41,500 के निफ्टी के नीचे जब बैंक निफ्टी स्लिप होगा तो हमें इसमें गिरावट देखने को मिलेंगी। और यहाँ से बैंक निफ्टी में जो गिरावट आ सकती है ये गिरावट हमें जो देखने को मिल सकती है यह गिरावट हमें वापस से 41,300 टू 41,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे भी बैंक निफ्टी स्लिप होता हुआ नजर आता है तो हमें 40,800 के लेवल भी हमें बैंक निफ्टी के इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की बात और डाउनसाइड की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि हम बैंक निफ्टी में किस प्रकार से पोजीशन ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अपने पोजीशन लेने के लिए ऑप्शन चेन के यहाँ पे सिंपली एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। यहाँ पे अगर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में हमें तेजी का माहौल बनते हुए नजर आ सकता है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 23 फरवरी का ऑप्शन चेन को लगा लेना है, क्योंकि अभी 16 फरवरी की एक्सपायरी हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ जाना चाहेंगे, और यहाँ जो आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप 41,500 का कॉल ऑप्शन, और अगर आप पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप 41,700 का पुट ऑप्शन, इन ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर लगता है कि मार्केट में तेजी का माहौल बन सकता है तो हम यहाँ पे 41,000 के LTP के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर हमें लगता है कि मार्केट में 40,800 तक के मार्केट स्लिप हो सकता है तो हम यहाँ पे 41,700 के पुट ऑप्शन के LTP के ऊपर ट्रेड करेंगे। सिंपली जैसे हम यहाँ पे LTP के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारे सामने ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है। नीचे दी गई बाय बटन पे सिंपली हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे अगर हम सिंगल लॉट के लिए ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट में 11,000 के ऊपर का हमारे पास अमाउंट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे 400 प्लस के प्रीमियम के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। इतना लगाने के बाद आपका जो P&L है, आपको एक बार आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपको इंस्टा ट्रेड के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि एंजल स्पार्क की एक शानदार फैसिलिटी है। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। एनी टाइम आपको लगता है कि आपको अपने ट्रेड से बाहर आना है तो नीचे दिए गए ऑर्डर बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। इस बटन का यूज़ करके आप ऑर्डर तुरंत लगा के आप एग्जिट करके आप अपने ट्रेड से बाहर आ सकते हैं, और आपका अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक कर सकते हैं। तो इतना आसान होता है स्पार्क एप्लीकेशन में इंस्टा ट्रेड को यूज़ करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।